नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी भाषा के पाठ संख्या 1 हे जग के स्वामी को एक नवाचार अनुभव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस चैप्टर को ZIAEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से पढ़ाना जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। तो प्रस्तुत कविता हे जग के स्वामी में सृष्टि में जो पर्याप्त प्राकृतिक खूबसूरती का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद दिया गया है और परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन पथ पर भी कुछ चमक बिखेर दें। जहां तक बात की जाए नवाचार की नवीनता और उसकी उपयोगिता क्या है, तो नवाचार की नवीनता यह है कि जो भी छात्र कक्षा का जो भी छात्र अपना अनुक्रमांक या अपना रोल नंबर सुनता है या अपना नाम सुनता है तो वो यस सर या नो सर ना बोलकर पाठ में प्रयुक्त हुई शब्दावली, कठिन शब्द इत्यादि और पढ़ाई कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करता है। अगर मैं बात करूं इस नवाचार के क्रियान्वयन की तो इसमें 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार को क्रियान्वित करने से पहले शिक्षक को किसी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नवाचार के अंदर कई चीजों का पुनः अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, तुकांश शब्द, इन सभी का पुनः अध्ययन छात्रों से करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को कई निर्देश दिए जाते हैं, जैसे जब भी आपका रोल नंबर बोला जाए, आप पाठ में काम में आए तो कौन शब्द बोलेंगे, यस सर या नो सर में आपका जवाब नहीं आना चाहिए। जब तक अटेंडेंस चल रही है तब तक आप अपना अनुशासन बनाए रखेंगे, अनुशासन से हीनता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार छात्रों को निर्देशित किया जाता है। अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे ही शिक्षक ने कहा रोल नंबर 1 तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो जवाब देता है जल थल। इसी प्रकार से जब शिक्षक ने कहा रोल नंबर 2 तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और वो जवाब देता है चमक दमक। इस प्रकार से शिक्षक 1 by 1 रोल नंबर बोलते हैं और छात्र खड़े होते हैं और तुकांत शब्द बोलना शुरू करते हैं। इससे कई निष्कर्ष निकलते हैं, छात्र कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त करते हैं, जैसे दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनते हैं, उन बातों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। छात्र पढ़ाए गए कंसेप्ट को या पढ़ी हुई सामग्री को अपने लाइव उदाहरणों के साथ में कोरिलेट करते हैं, उनको आपस में मिला करके कई विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह की रचनाओं में आए शब्दों को पढ़ते हैं, उन्हें अध्ययन करते हैं, उन्हें सीखते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करते समय कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि सबसे पहले इस नवाचार को आखिरी रोल नंबर तक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, प्रस्तुत पाठ हे जग के स्वामी प्रतिवर्ष अप्रैल माह में पढ़ाया जाता है। NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी इस नवाचार को क्रियान्वित करने से लाभ प्राप्त होता है। जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है 30 छात्रों पर एक शिक्षक, इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। साथ ही साथ बच्चे कई जीवन कौशल सीखते हैं, जैसे आत्मविश्वास, परस्पर संबंध, गहन सोच और उनमें निहित मूल्यों को भी प्राप्त करते हैं, जैसे विनम्रता, पारस्परिक संबंध, एक दूसरे की स्वीकृति, ये सारी बातें बच्चों में विकसित होती है। हम आशा करते हैं आपको ये गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIAEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।